हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप लोग हमेशा कहते हैं ऐसा स्टॉक दीजिए जो सस्ता हो, रिस्क भी लें, दिक्कत नहीं है। मैं भी तलाश में रहता हूं और आपके लिए लेके आया हूं ऐसा ही एक स्टॉक जो सस्ता भी है और थोड़ा रिस्क अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो वहां पर भी है, क्योंकि स्मॉल कैप का जब शेयर है तो सस्ता होगा, और जब सस्ता होगा और स्मॉल कैप का है, रिस्क ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन वहां पर ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं, बस तलाश करनी होती है न्यूज की, क्योंकि अगर कुछ न्यूज मिल जाए तो मजा आ जाए। और ऐसी ही एक न्यूज है इस स्टॉक से जुड़ी कि प्रमोटर ने सारे प्लेज शेयर को छुड़ा लिया। प्रमोटर ऐसे ही प्लेज शेयर को नहीं छुड़ाता है मेरे दोस्त, कुछ तो ऐसा ही खास बात होती है कंपनी में, तभी सारे प्लेज शेयर छूटते हैं। और रिकॉर्ड रहा है जब जब इस तरीके से कंपनी में किसी प्रमोटर ने शेयर को प्लेज किया है और फिर छुड़ाया है तो उसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं आने वाले समय में, रातों रात नहीं, क्योंकि आप लोग सोचोगे कहीं रातों रात, तो ऐसा नहीं है। तो आज जानते हैं पूरी डिटेल में क्या है कहानी शुरू से लेके अंत तक, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये हाई एंड ट्रांसमिशन और एक्सेस इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, साथ ही इसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, रेलवे, डिफेंस, स्मार्ट सिटी, सर्विलांस प्रोजेक्ट के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने में स्पेशलिटी हासिल है। ये रिलायंस जियो की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। अभी उत्तर भारत में 4G OFC नेटवर्क भी दे रही है। ये कंपनी जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल सप्लाई कर रही है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। इनके प्रोडक्ट ब्रेकअप को समझें, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज से 78% का रेवेन्यू आता है। अब इनके फाइनेंशियल को देखिए, इनका नेट इनकम धीरे धीरे हौले हौले बढ़ता ही जा रहा है और हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। स्मॉल कैप के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, वहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। वहीं पर अगर आप पीयर में जाओगे तो पीयर एनालिसिस में अपने पीयर के सामने में ठीक ठाक है, सस्ता कहना गलत होगा। वहीं पर अगर हम इनके होल्डिंग्स पे जाएंगे तो सबसे मास्टर स्ट्रोक में आते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रमोटर ने शेयर प्लेज किया था। एक जमाने में 21.44% शेयर प्लेज थे, जो कि अभी लेटेस्ट आप देख रहे हो 4.68% शेयर प्लेज हैं, सितंबर का डेटा। बट अभी कुछ दिन पहले ही एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कही है कि उन्होंने सारे के सारे प्लेज शेयर को हटा लिया है, यानी जब वेबसाइट पर डेटा अपलोड होगी लेटेस्ट, तब यहाँ पे कुछ भी प्लेज शेयर नहीं दिखेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ में FII ने भी अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, वहाँ पर रिटेल वालों की भी पोजीशन 50% के ऊपर की है। बट ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, वहाँ पर जो इन्हें प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब किस तरीके से इसको जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को। अब देखिए कंपनी को क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें मिली हैं, तभी तो प्रमोटर को अंदर अंदर भरोसा है कि भैया बहुत अच्छे जा रहे हैं। वहाँ पर 12 मई 2021 को HFCL ने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ इट्स टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट ओपन वाईफाई कंप्लेंट एक्सेस पॉइंट। अब इसी महीने कंपनी को किसी टेलीकॉम ऑपरेटर से ऑप्टिकल फाइबर केबल का 412.90 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंज्यूमर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है और अगेन चीजें बेहतर। अब अगर अक्टूबर में आ जाएं तो 3 फॉरेन इन्वेस्टर वेनगार्ड, क्वांट म्यूचुअल फंड और नार्गोस, उन्होंने कलेक्टिवली 2.64% यहां पर स्टेक को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है। वहीं पर अक्टूबर में ही इस कंपनी का 31 इंटाइटीज में
इन्हें अप्रूवल मिला है पीएलआई स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट इन इंडिया। और पीएलआई स्कीम जिस जिसको अप्रूव हो रहा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये आप भी जानते हैं, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल डिक्शन है। उसके अलावा HFCL कोलैबोरेट कर रहा है लीडिंग कोर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ, जिससे वो आउटडोर इंडोर TIP ओपन वाईफाई एक्सेस पॉइंट PM वाणी योजना के लिए दे सके। अब कहोगे PM वाणी योजना क्या है, तो PM वाणी एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है मिलियंस ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना है और अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट देना है देश में सबको। जी हाँ, वन बाय वन ये चीज़ें होती है भरोसा की। साथ में 222.16 करोड़ का ऑर्डर लिया उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में फॉर कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कंप्लीट होगा 2023 में। यानी अब आप समझिए, जैसे जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई तो स्टॉक ऑलरेडी फ़ायदा दे चुका है। उसके अलावा कंपनी ने US बेस्ड चिप मेकर क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर लोकल डिज़ाइन बनाने की घोषणा की। कहां पर डेवलप करेंगे वाईफाई 6 प्रोडक्ट, यानी मेक इन इंडिया वर्ल्ड स्ट्रेटजी, आत्मनिर्भर भारत में हमारे देश में नेक्स्ट 3 ईयर्स में। टारगेट क्या रखा है, 450 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, यही तो चीज है। अब यहां पर क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन ज्यादा है, कई शेयर के भी वैल्यूएशन ज्यादा है, वहां पर ये शेयर ठीक ठाक कंडीशन में है। ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोथ के ज़बरदस्त मौके दिख रहे हैं। कंपनी को जिन बिजनेस से बूस्ट मिल रहा है उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीकॉम नेटवर्किंग, डिफेंस, रेलवे, ऐसी चीज़ों से यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ 15-20% का बरकरार रखा है। इंडस्ट्री में 5G नेटवर्क, भारत नेट प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए 4G नेटवर्क, आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण, सर्विलांस सिक्योरिटीज़ की बढ़ती ज़रूरत से कंपनी के ऑर्डर बुक में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों के अवसर मिलेंगे और इन सब के मद्देनज़र आने वाले 2-3 साल में कंपनी 15-20% की रफ्तार से ग्रोथ करेगी। और ये वो रीज़न है जहां पे चीज़ों को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक परफॉर्म करने के बाद क्या हो गया, साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि जब जब न्यूज़ आई परफॉर्म किया, अब साइडवेज है, मार्केट कहता है ग्राउंड लेवल पे हमें हकीकत दिखाओ। तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जब चीज़ें और निकल के आएंगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट जैसा कि स्मॉल कैप का शेयर है, रातों रात कुछ नहीं होता, बट फिर भी इसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। 40 रुपीज़ से आप लोगों को दिलवाया था, किसके पास किस रेट से है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के लिंक से ज़रूर ओपन करें, जिससे हमें भी लगे कि हमारा परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की ऐसी ही कोशिश करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर इतना कीजिए कि सब लोग आसान भाषा में सीख सकें और कमा सकें। थैंक यू सो मच।